चूला रेस्टोरेंट हमें दे रहा है 850 रुपये पर हेड में पूरा एंटायर मेन्यू। पनीर रेशमी हांडी, मखनी हांडी, रेगुलर चिकन कढ़ाई, पिशावरी चिकन कढ़ाई, चिकन बिहारी बोटी। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे गौर भी कर लीजिएगा व्यूअर्स। इसका ये है कि जो भी बंदा खाना अगर बचा रहा है ना, तो उसको उसके चार्जेस देने हैं, मतलब खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ऑल यू कैन ईट का मतलब ये, आप जितना खा सकते हैं उसको कंज्यूम कर लें, जो आप नहीं खा पाए वो हम आपको पार्सल करके देंगे, और जो नॉर्मल मेन्यू में इसका रेट है ना वो चार्ज किया जाएगा उस पर। यार अच्छा रहा, बेहतर रहा। हम पहले यार इसका मुझे इस रेस्टोरेंट का पता चला था कि ये 850 में 9 डिशेस दे रहे हैं। दैट इज वेरी ऑसम, इट्स वेरी सिंपल एंड डिलीशियस एज वेल ना, और व्हेन आफ्टर ईटिंग इट ना यू विल नॉट बी गेटिंग इट वेरी टफी एंड यू विल बी गेटिंग वेरी फैटी दैट मोमेंट। तो निकाली भी है, मगर हम दोनों भाई आए, हमें देख के उन्होंने डील बंद कर दी, बोलने के भाई ये डील बंद हो गई है। आप फिर इन लोगों के, मैं बोला चलो ठीक है, खा ज़्यादा जाओगे इसलिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ तलहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तलहा ऑलराउंडर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 चूला रेस्टोरेंट में। जी हाँ, मेरी यहाँ आने की वजह कुछ स्पेशल ही है जनाब जी। और अगर आप चाहते हैं ये जानना कि मैं यहाँ क्यों हूँ और यहाँ ऐसा क्या स्पेशल है, तो प्लीज़ रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सो व्यूवर्स, मेरे यहाँ आने की वजह ये है, ये है ये डील कार्ड। जी हाँ, चूला रेस्टोरेंट हमें दे रहा है 850 रुपये पर हेड में पूरा एंटायर मेन्यू। जी हाँ, और एंटायर मेन्यू क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस मेन्यू में हमें मिल रहा है पनीर रेशमी हांडी, मखनी हांडी, रेगुलर चिकन कढ़ाई, पिशावरी चिकन कढ़ाई, चिकन बिहारी बोटी, रेशमी कबाब, अगवानी पुलाव, फ्राइड राइस विद शाशले और चाउमीन। ये 9 चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं 850 रुपए में। लेकिन इस डील को अवेल करने के लिए कम से कम 4% का होना लाजमी है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो कम से कम 4% यहाँ पर आएँ और इस डील को अवेल करें। सेकंड चीज़ इसके अंदर जो है वो ये है कि हम इंटायर मेन्यू एक साथ नहीं मंगवा सकते, हम मेन्यू में 3 चीज़ें एक बार ऑर्डर करेंगे। यानी कोई सी भी 3 चीज़ हम ऑर्डर करें, उसके बाद जब हम उस फूड को कंज्यूम कर लें, देन हम दोबारा 3 चीज़ें मज़ीद ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 3 चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। हम पूरा इंटायर मेन्यू एक साथ ऑर्डर नहीं कर सकते। ये फूड जो होता है वो ज़ाया होता है, और फूड को ज़ाया होने से बचाना है। तो लिहाजा जब भी यहाँ आएंगे, पहले 3 चीज़ें, फिर 3 चीज़ें, फिर 3 चीज़ें, इस तरीके से हम मेन्यू कार्ड को अवेल कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ का जो एक बड़ी मुनफरिद बात मुझे लगी वो ये है कि अगर हम डील कार्ड से ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद फूड ज़ाया करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम पे लगेगी इस सूरत में प्लेंटी। मतलब प्लेंटी क्या कि डील कार्ड के अंदर जो इसके रेट हैं, जो इस प्रोडक्ट के या जो प्रोडक्ट हम ज़ाया करेंगे छोड़ेंगे उसकी जो रेट है, उस रेट की पूरी पेमेंट हमें यहाँ पर अदा करनी होगी। सेकेंड चीज़, ये तमाम फूड अवेल करने के लिए हमें मिलेंगे 2 घंटे। इन 2 घंटों में हमने ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं फिनिश करनी है, खानी है, उसके बाद हमने यहाँ से मूव कर जाना है, ताकि और जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं वो इस तमाम डील से फ़ायदा उठा सकें। सो मैं नहीं समझता कि इस महंगाई के दौर में, इतने पैनिक दौर में, जहाँ पर एक केजी चिकन लेने अगर आप चले जाएँ तो वो 1800 रुपये की मिल रही है, हमें पूरा इंटायर मेन्यू दिया जा रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं चूला रेस्टोरेंट के ऑनर अली भाई के साथ, आए इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके दिमाग में, इनके सोच में ये बातें, ये डील कैसे आई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, हमारी रमज़ान की डील है, जो कि हमने रमज़ान के लिए निकाली हुई है। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने लाइव कर दिया इसको। सिंपल सी डील है, इसकी सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये है कि 4% आएँगे तभी इस डील को अवेल कर सकते हैं। तो इसका रूल ये है कि 850 रुपये पर हेड है ये। इसमें 9 आइटम है टोटल, बारबेक्यू, कढ़ाई, हांडी, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। मतलब 4 यार दोस्त आ सकते हैं, आकर ना शादी की तरह खाना मंड के खा सकते हैं। मतलब रमज़ान में कोई शादी वादियाँ तो होती नहीं है, यहाँ आकर ना वो मंड के खाना खा सकते हैं, और उसमें कढ़ाई भी है, हांडी भी है, फास्ट फूड चाइनीज सब कुछ है। ईद से पहले ईडी दे दी आपने, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कराची वालों के लिए। इस महंगाई के दौर में जो इनको 9 मेन्यू, मैं कहता हूँ ये एक मेन्यू ही कम से कम आम रेस्टोरेंट में 500 से 600 रुपए का है, जो कि यहाँ पे 850 रुपए में आपको अवेल किया जा रहा है। होगा इस महंगाई में, ये पहले 4-5 साल पहले हमने देखा होगा कहीं खाया होगा। ऑल यू कैन ईट 850 में 2 आइटम नहीं मिलते, यहाँ पे 9 आइटम मिल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे जो खाना बच जाता है उसके बारे में, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर गौर भी कर लीजिएगा व्यूअर्स। इसका ये है कि जो भी बंदा खाना अगर बचा रहा है ना, तो उसको उसके चार्जेस देने हैं, मतलब खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ऑल यू कैन ईट का मतलब ये, आप जितना खा सकते हैं उसको कंज्यूम कर लें, जो आप नहीं खा पाए वो हम आपको पार्सल करके देंगे, और जो नॉर्मल मेन्यू में इसका रेट है ना वो चार्ज किया जाएगा उस पर।
जो भी खाना आप ज़ाया करेंगे, क्योंकि जो खाना बच जाएगा वो आपने ही लेके जाना है, और फिर आपने उसके पेमेंट भी देनी है जो मेन्यू कार्ड में उसकी। इस तरीके से पर हेड तो चार्ज हो गई होगा, साथ में जो प्रोडक्ट्स ने बचाए उसकी भी चार्जेस को देनी होगी, बिल्कुल, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ही ना हो जब कस्टमर आए बोले यार ये तो बताया ही नहीं वीडियो में। तो इसी वजह से मेक श्योर पहले सब कुछ कर दिया हम लोगों ने। बिल्कुल ठीक है अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरीके से एक खिदमत करते रहें। यार इसका मुझे इस रेस्टोरेंट का पता चला था कि ये 850 में 9 डिशेस दे रहे हैं बुफे में, और खाना आप मतलब बचाना भी नहीं है, ज़ाया भी नहीं हो, ये यहाँ की ये एक आपके लिए इन्होंने शर्त रखी हुई है। हाँ, और ये अच्छी बात है, ये बहुत बेहतरीन है। और मैंने आज जो है पंजाब निकलना था लेकिन मैंने स्किप किया है इसकी वजह से, और फिर मैं कल जाऊँगा और यहाँ पर आए हैं अभी हम। तो कैसा लगता है, कैसा होगा खाना, कुछ आइडिया है कुछ? यानी यार जो हमें पता चला है तो वो तो देखने में तो बहुत बेहतरीन था, और ऑब्वियसली इसका ओवरऑल जो लुक है ना वो भी बहुत अच्छा है, और बैठने का सिस्टम अच्छा है। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ना, दैट इज़ वेरी ऑसम, इट्स वेरी सिंपल एंड डिलीशियस एज वेल ना, और व्हेन आफ्टर ईटिंग इट ना यू विल नॉट बी गेटिंग इट वेरी टफी एंड यू विल बी गेटिंग वेरी फैटी दैट मोमेंट। तो फूड आर वेरी हाइजेनिक एंड द टेस्ट इज़ वेरी डिलीशियस ना, बेसिकली द बारबेक्यू आइटम विच इज़ वेरी कॉमन इन द पीपल ऑफ कराची। So they have shown themselves very properly out there. The taste is out of the world. So viewers, आपने सुना यहाँ पे रिव्यू कि इनका कहना यही था कि यहाँ पर जो जायका है और जो खाना है वो बहुत ही लजीज है, दिलफरेब है, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला इनको फेस नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे खाने के बारे में? खाने का टेस्ट वगैरह अच्छा है सब कुछ, और डील इन्होंने निकाली भी है, मगर हम दोनों भाई आए, हमें देख के उन्होंने डील बंद कर दी, बोल रहे कि भाई ये डील बंद हो गई है। आप फिर इन लोगों ने बोला चलो ठीक है, खा ज़्यादा जाओगे इसलिए, ऐसा ही हो सकता है, देखे ना इनके भाई। डील का नाम है ऑल यू कैन ईट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जितना खा सकते हो आप मंगा सकते हो, लेकिन मना करने की वजह बोलने चार बंदे होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल चार बंदे, बिल्कुल। तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया? अभी हमने चिकन टिक्का मंगवाया था, कबाब मंगवाया, रेशमी चाउमिन, तो और क्या था, और मखनी हंडी मंगवाई है, पनीर रेशमी हंडी मंगवाई है, अभी वो आ रही है। कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का? अब तक अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। प्राइस वगैरह रिजनेबल है? प्राइस रिजनेबल है, ठीक है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे हमारे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे हमने इस बारे में पूछा यहाँ के प्रेजेंटेशंस के बारे में, फूड के बारे में, यहाँ पे टेस्ट के बारे में, तो सबका कहना यही है कि प्राइस जो है वो बहुत रिजनेबल हैं यहाँ पे अराउंडिंग रेस्टोरेंट्स के और दीगर रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में, और जो फूड है वो बहुत टेस्टी और डिलीशियस है। प्लीज़ आएँ यहाँ आकर इस फूड को इंजॉय करें और अपने पैसे बचाएँ। मोटिव ये है पैसे बचाएँ ताकि दूसरी जगह पर वो काम आए। ऐसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आपका? यार अच्छा रहा, बेहतर रहा, हम पहले भी आ चुके थे फैमिली के साथ, तो ये हमारा ऑफिस खुल गए तो हमने कहा आज ज़रा इनके साथ यहाँ पर लेके आया मैं ख़ास तौर पर। तो एक चिकन दस्तियार हमने मंगाई थी नई डिश, तो वो हमें पसंद आई, उसका स्टाइल जो है ना धुआँ उठता हुआ ना, हालांकि मैं तो खा के आया था लेकिन हल्का फुल्का लिया, लेकिन मज़ा आया बहुत, मज़ा आया। तो दोबारा रिकमेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल 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 यार, रिकमेंड करें। हाँ बिल्कुल, प्राइस वगैरह से आप मुतमईन? सही है, हाँ ठीक है, बाकी दूसरों के अगर देखें रेस्टोरेंट वगैरह के प्राइस सही है आपके। बस ऑर्डर हमने कर दिया है, फ्राइड राइस विद चिकन शाशलिक हमारे सामने मौजूद है, और सेकेंड स्टेप में हमारे पास ये हांडी, ये देखिए ये हांडी मौजूद है, और तीसरा आइटम जो हमारे कबाब हैं वो अभी थोड़ी देर में हमारे पास आने वाले हैं, तो हम देते हैं फिर उसका आपको रिव्यू। सो व्यूअर्स, फ्राइड राइस विद शाशले ये हमारे पास रखा हुआ है, यार बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने इसको पास कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हांडी का है, तो मैं हांडी भी टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि हांडी क्या कह रही है। सो ओहो, अच्छी खासी गर्म हो रही है हांडी, वाह ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत VIP चिकन ऐसी हुई हुई है, बिल्कुल परफेक्ट गली हुई है, बड़ा मज़ेदार टेस्ट है।
ये कबाब बहुत वीआईपी लग रहे हैं, खा के देखते हैं क्या कह रहे हैं। परफेक्ट कबाब भी परफेक्ट, ज़बरदस्त वीआईपी। गाइस रेशमी कबाब चिकन हांडी फ्राइड राइस खाने के बाद जब कुछ जगह बनी तो हमने चाउमीन ऑर्डर किया। चाउमीन अपनी मिसाल आप था, डिलीशियस यमी और क्वांटिटी में भी भरपूर था। बोला रेस्टोरेंट में और हम खा के थक गए, लेकिन ये जो डील थी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हमने इस डील में से जो हमें खाना था हमने ऑर्डर किया, हमने फूड इंजॉय किया, फूड टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त था, बहुत क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा था, और आप जितना खाना चाहते हैं उतना मंगवा सकते हैं। तो फूड इज़ ऑसम, क्वालिटी इज़ वेरी गुड, टेस्ट ज़बरदस्त। सो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके सस्ता फूड इन्जॉय करें। 9 आइटम, वो आइटम जो कि मार्केट में नॉर्मली 800-1000 रुपये के मिलते हैं, आपको 850 में यहाँ पर 9 आइटम्स आराम से अवेलेबल हैं। आएँ, आके खाएँ और इन्जॉय करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एक सस्ती चीज़ों की खोज मेरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को आपस में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो यहाँ पर आएँ और एक सस्ता अच्छा और क्वालिटी फूड इन्जॉय कर सकें। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा है, अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाएं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।